दोस्तों मुझे पता नहीं आपने इस मूवी को देखा है नहीं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपका थिएटर में जाना डिजर्व करती थी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मिशन रानीगंज मूवी के बारे में, जो कि थिएटर में मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा खतरनाक परफॉर्म करी है, क्योंकि मूवी की स्टोरी, मूवी वो सारा पोटेंशियल रखती है जहां पर लोग जाकर थिएटर में इसे देखें, क्योंकि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। खैर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन रानीगंज मूवी की OTT रिलीज डेट के बारे में और अपडेट्स के बारे में जो कि निकल कर आ चुकी है। तो अगर आप जानना चाहते हो और जो लोग भी दोस्तों वेट कर रहे थे इस वीडियो का, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो होने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी काफी ज्यादा काइंड ऑफ एक डेंजरस तो है ही, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है वो काफी ज्यादा सुपर है। जहां पर दोस्तों अक्षय कुमार सर हमें एक ऑफिसर के रोल में नजर आए, जो कि रेस्क्यू ऑफिसर है, और वो किस तरीके से वहां पे माइंस में फंसे हुए लोगों को निकालते हैं वही तो मेन मुद्दा है। बात करें मूवी के OTT राइट्स के बारे में, तो मूवी के जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने एक्वायर की, और ये बात काफी टाइम पहले ही निकल कर आ गई थी, और मेरे थंबनेल से दोस्तों आप समझ जाते हो मैं बराबर लगा देता हूँ। बात करें फिर रिलीज डेट को लेकर, तो करंटली मूवी दोस्तों थिएटर में ठीक ठाक ही जिन जगहों पर लगी है एकदम नॉर्मल परफॉर्म कर रही है, ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग वाला काम नहीं है। लेकिन दोस्तों इसकी OTT रिलीज डेट के लेकर जो अपडेट्स है वो इतनी जल्दी नहीं होने वाली, क्योंकि मूवी बस अभी अभी लगी थी, और इसका जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मिशन रानीगंज मूवी लगभग नवंबर के थर्ड वीक में आपको देखने को मिलेंगी। और रिलीज डेट का आपको आइडिया दे देता हूं मैं, जो कि लगभग 24 नवंबर 24 नवंबर के आसपास, इस रिलीज डेट के आगे या पीछे ये मूवी आपको रिलीज होते हुए नजर आ जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखना। क्या सोचते हो कमेंट में बताओ, लाइक करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।